सबका स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस का यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज बात करेंगे ITR 1 की, क्योंकि ITR 1 पोर्टल पर आ गया है। तो उसे कैसे फाइल करना है, किन किन लोगों के लिए ITR 1 एप्लीकेबल है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अंत तक बने रहिएगा, जिससे आप गलत ITR फाइल ना करें और आपको नोटिस ना आए। तो जी चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर। तो जब हम इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जाते हैं तो लॉगिन आपने कर लिया। अब लॉगिन करने के बाद अब आप चाहते हो कि जी ITR 1 फाइल कर ले, तो पहले ये समझ लो जी ITR 1 होती किसके लिए है, कौन कौन व्यक्ति ITR 1 फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को सैलरी से इनकम आ रही है, अगर किसी व्यक्ति को अदर सोर्स से इनकम आ रही है, या अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। लेकिन आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख तक होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। आप किसी कंपनी में डायरेक्टर ना हो, ठीक है, चाहे आपको डायरेक्टर की सैलरी मिले या ना मिले, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, पहले इस बात को समझ ले। इसके बाद अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम, क्या चीज़ जी, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है ना, 5000 रुपये से ज़्यादा, तो भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। इसके अलावा अगर आपका TDS कटा हुआ है अंडर सेक्शन 194N में, किस में कटा हुआ है जी, TDS अंडर सेक्शन 194N, मतलब कि कैश विड्रॉल पे जो TDS कटता है, तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। तो पहले आपको एक दायरा डिसाइड करना होगा कि आप ITR 1 कब फाइल कर सकते हो कब नहीं। अगर आपकी बिजनेस इनकम है, अगर आपकी कैपिटल गेन इनकम है, देन आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। और अभी जब आप पोर्टल पर जाओगे तो पोर्टल पर कैसे हमें ITR फाइल करनी है, जरा इसे समझ लो। जब भी हम पोर्टल पर जाते हैं तो हम जाएंगे ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न, और उसके बाद जाएंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो जब फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर हम सिलेक्ट कर लेंगे, असेसमेंट ईयर 23-24। उसके बाद फाइलिंग टाइप आ जाएगा ओरिजिनल रिटर्न या रिवाइज रिटर्न। ओरिजिनल रिटर्न का मतलब क्या है कि भाई हम पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं, रिवाइज का मतलब क्या, गलती हो गई थी, ठीक है ना भाई साहब, रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट क्या करेंगे, ओरिजिनल रिटर्न, क्योंकि हमारा ITR 1 है, बिजनेस का केस है नहीं, तो हमारे पास सेक्शन 44A भी नहीं लगता, और हम कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, तो हम इस ऑप्शन को कर देंगे बिल्कुल नो। इसके बाद वो पूछेगा भाई ITR कौन सी फाइल करनी है, तो अभी जो पोर्टल पर ITR के फॉर्म आए हुए हैं सिर्फ दो। तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ITR 1, ITR 4 हमने दूसरी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब हम ITR 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर आगे चल के कर देंगे इसे कंटिन्यू। तो जैसे हम इसे कंटिन्यू करेंगे तो पोर्टल हमें ऑप्शन नहीं दे रहा कि हम कोई ITR भरे, ठीक है ना, क्योंकि पहले पोर्टल भी ऑप्शन देता था कि आप ऑनलाइन भी ITR 1 भर सकते हो। सर वो क्यों नहीं दे रहा, भाई हो सकता है कुछ दिनों बाद वो ऑप्शन आपको मिल जाए, लेकिन मान लो तुम्हें ITR 1 भरने की जल्दी है, ठीक है, हालांकि हो सकता है अभी आपके एम्प्लॉयर ने आपको अभी तक, ठीक है ना, आपका जो TDS सर्टिफिकेट है वो ना दिया हो फॉर्म 16, ठीक है, तो चाहे फॉर्म 16 है फॉर्म 16A है, अगर आपके पास अभी TDS सर्टिफिकेट्स नहीं आए हैं या 26S में आपका TDS नहीं आ रहा है, तो आप रुक सकते हो कुछ टाइम के लिए। लेकिन मान लो तुम्हारा कोई TDS VDS का झंझट नहीं है, तुम्हें कोई लोन लेना है या कहीं बाहर जाना है, कोई क्लाइंट कह रहा भाई ITR भर दो, या नॉमिनल ITR है, अदर सोर्सेज की ITR है, तो आप अभी भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो आपको ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि हमारी एक्सेल यूटिलिटी है जो हमने डाउनलोड कर ली है, ठीक है, आपके सिस्टम पे एक्सेल चलना चाहिए बढ़िया फर्स्ट क्लास, मैक्रो माइक्रो सब इनेबल होने चाहिए, और ये यूटिलिटी इस तरीके से ओपन होनी चाहिए। अगर आपके एक्सेल में कुछ एरर आ रही है तो इस फाइल को राइट क्लिक करके, ठीक है ना, इसके अंदर जो एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, इसे अलाउड कर देना, ठीक है ना, इसे एक्सेप्ट कर लेना, तो आपकी ITR फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है सर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या करना होता है। आप इस फाइल को ऐसे डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, और डाउनलोड में यहाँ पर ये एक्सेल यूटिलिटी आ गई, तो आप इसे डाउनलोड जब आप करोगे, ठीक है, ये PDF का फॉर्म है, ठीक है, PDF फॉर्म अगर आपको देखना है, और ये एक्सेल बेस यूटिलिटी है। तो एक्सेल बेस यूटिलिटी कई बार जब आप इसे ओपन करते हो तो ओपन करते समय ये आपको कुछ एरर दे सकती है, तो उस पर राइट क्लिक कर लेना। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में एक ऑप्शन आ जाएगा, सर कैसा ऑप्शन आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे डाउनलोड्स में गए और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज में जाके
ठीक है ना। यहाँ पे कई बार आपको दिक्कत आ सकती है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं इसे ले गया डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे ले जाने के बाद प्रॉपर्टीज में गए, ठीक है ना। यहाँ पर इसे अनब्लॉक कर लेना, ठीक है, अनब्लॉक कर लेना, नहीं तो आपकी एक्सेल में एरर आ सकती है, ठीक है। ब्लॉक फाइल होगी तो एरर आ जाएगी। फिर आप इस फाइल को ऐसे ओपन कर लेना। जब आप इस फाइल को ऐसे ओपन कर लोगे तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि भाई इसके अंदर ना, फाइल के अंदर आपको नाम, पैन नंबर सब डालना है, इसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। तो पोर्टल ने सुविधा दी आपको कि आप जब इनकम टैक्स पोर्टल पर हो तो यहाँ पर ये कह रहा है प्रीफिल्ड डेटा डाउनलोड कर लो। क्या कर लो जी? प्रीफिल्ड डेटा है, उसे ही डाउनलोड कर लो। तो आप ऐसे प्रीफिल्ड डेटा पर जाओगे और आप इस डेटा को डाउनलोड कर लोगे, ठीक है जी। ये डेटा फाइल आपकी जेएसएन फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और आप जब आप एक्सेल फाइल में जाओ तो दो तरीके हैं, या तो आप सारा डेटा, नेम वगैरह सब डालो, नहीं तो आप प्रीफिल्ड डेटा ले सकते हो और इंपोर्ट प्रीफिल पर जाकर उसे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर अगर आप देखोगे तो हमने इंपोर्ट प्रीफिल कर दिया, तो इंपोर्ट प्रीफिल की फाइल हमारे पास आ गई और हमने उसे यहाँ पर ओके कर दिया। तो इंपोर्ट प्रीफिल करने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि जो बेसिक डिटेल है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पैन कार्ड है, आधार नंबर है, वो सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगी, तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करनी है। अगर आपके केस में कोई TDS VDS का झंझट नहीं है, नॉर्मल ITR है, तो उसे आप अभी निपटा सकते हो, ठीक है। ITR 1 भर के, ITR 1 ये पता लग गया किस लिए भरनी है, भाई सैलरी इनकम के लिए भर सकते हो, अदर सोर्सेज के लिए भर सकते हो, और अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है तो उसके लिए भर सकते हो, ठीक है ना। बिजनेस और कैपिटल गेन के लिए ये नहीं है। चलिए, जब हमने ये ITR भर ली, ये हमारी डिटेल इसके अंदर आ गई सारी चीज़ें, अब ये हमसे कुछ सवाल पूछेगा। क्या सवाल पूछ रहा है कि भाई क्या तुम, ठीक है, 115 BAC लेना चाहते हो? इसका मतलब क्या है? न्यू टैक्स रिजीम, कि भाई क्या आप न्यू टैक्स रिजीम लेना चाहते हो? अगर आप कैलकुलेट करके देख लो भाई कि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स ज़्यादा लग रहा है या ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा लग रहा है, तो जिसमें कम लग रहा है वही टैक्स रिजीम आप ले लो। तो हमने कहा नहीं भाई साहब, हम न्यू टैक्स रिजीम नहीं लेना चाहते, ठीक है ना। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो हमारा इनकम टैक्स का कोर्स है, उसमें हम ये सारा डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। फिलहाल हमने इसे कर दिया नो, कि भाई हम न्यू टैक्स रिजीम नहीं लेना चाहते, हम ओल्ड टैक्स रिजीम में ही काम करना चाहते हैं। अब इसके बाद वो आगे की बात करता है कि भाई जो ITR फाइल होती है वो सेक्शन 139(1) से होती है। 139(1) क्या कहता है कि भाई अगर आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो ITR भरो, अदरवाइज अगर तुम इंडिविजुअल हो तुम्हें भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका जो प्रोविज़ो है, ठीक है ना, वहाँ पर जो प्रोविज़ो हम पढ़ते हैं, वहाँ पर जो 7th प्रोविज़ो है 139(1) का, वो कहता भाई साहब मुझे मतलब नहीं है, तुम्हारी एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस हुई या नहीं हुई, अगर तुमने इनमें से कुछ भी काम कर लिया, फ़ौरन घूमने चले गए, 2 लाख रुपये से ऊपर का पैकेज ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया 1 लाख रुपये से ज़्यादा, तो आपको ITR भरनी पड़ेगी। तो आप पहले अपना केस चेक कर लो कि तुम जो ITR भर रहे हो वो 139(1) की वजह से भर रहे हो, मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम तो भर रहे हो, या इन प्रोविजो की वजह से भर रहे हो। अगर आप इन प्रोविजो की वजह से भर रहे हो तो आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा यस, कि भाई मैं इन प्रोविजो की वजह से रिटर्न भर रहा हूँ, 139(1) की वजह से नहीं भर रहा, अदरवाइज आप इसे कर दोगे नो। इसके बाद ये अगला पूछेगा भाई, ठीक है ना, तुम ये ITR भर रहे हो किस किस वजह से भर रहे हो? या तो सैलरी इनकम हुई होगी, ठीक है ना, या आपकी अदर सोर्स, या हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी। तो आप मुझे बताओ कि आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो भाई कुछ लोग स्टेट गवर्नमेंट में होंगे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे, कुछ लाला कंपनियों में जॉब कर रहे होंगे। तो भाई अगर कोई व्यक्ति लाला कंपनी में जॉब कर रहा है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, ठीक है, ऊपर में से किसी में नहीं है, तो वो अदर सोर्स सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है जी। अब इसके बाद आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हमें ये बेसिक डिटेल कैसे फाइल करनी है। अब इसके बाद यहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर वगैरह सारी डिटेल सारी है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है भाई, तुम कौन से सेक्शन में रिटर्न फाइल कर रहे हो? तो जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो कई सारे सेक्शन होते हैं जिसमें हमें 139(1) सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं। अगर ड्यू डेट 31 जुलाई के बाद फाइल करोगे तो आप बिलेटेड रिटर्न पे क्लिक करोगे, अगर आप ओरिजिनल रिटर्न नहीं भर रहे, रिवाइज रिटर्न भर रहे हो तो रिवाइज पे क्लिक करोगे, या अगर कोई कंडोनेशन ऑफ डिले की वजह से, तो वो, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया 139(1). अब जैसे ही हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, आगे पूछ रहा भाई साहब, अब चूंकि ये रिटर्न मेनली सैलरी वालों के लिए, अदर सोर्सेज वालों के लिए, तो आप इसे फॉर्म को भरो। तो यहाँ पर ये कहता है कि सैलरी एज पर सेक्शन 17। तो अगर मैं सैलरी की बात बोलूँ, सैलरी के लिए 3 ही सेक्शन पढ़ने हैं तुम्हें, सेक्शन 15, 16, 17।
सेक्शन 15 कहता है चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। सेक्शन 16 में बात करता है कि भाई डिडक्शंस मिलेगी। सेक्शन 17 हमारा बात करता है कि भाई क्या क्या चीज़ सैलरी में आएगी। तो यहाँ पर जो सेक्शन 17 है वो कह रहा है सेक्शन 17 के हिसाब से तुम्हारी सैलरी कितनी है। सर इसका मतलब होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा सेक्शन 17 के अंदर हमारी सैलरी कितनी है? तो यहाँ पर आप ये समझो कि जो आपकी ग्रोस सैलरी है, जो आपके अकाउंट में आ रही है, आप वहाँ पर पहले ये सैलरी डाल दो। लेट सपोज मैंने डाल दी कि मेरी सैलरी 7 लाख रुपये है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने अपनी सैलरी 7 लाख रुपये डाल दी, तो उसके बाद ये 7 लाख रुपये में मेरा टैक्स कैलकुलेट कर देगा। लेकिन अगर आपने नीचे ध्यान दिया हो, मैंने सिर्फ सैलरी डाली थी 7 लाख रुपये, तो उसने कहा नहीं नहीं भाई साहब, सेक्शन 16 के अंदर तुम्हें डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपये की, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या बोलते हैं हम? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपये की। तो हम आपसे 7 लाख पर टैक्स नहीं लेंगे, हम कितने पे टैक्स लेंगे? 6.5 लाख रुपये पे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि 7 लाख रुपये की जो सैलरी है वो तो मेरे बैंक अकाउंट में आई, और गवर्नमेंट ने मुझे 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी कि भाई तुम सैलरी हो, ठीक है, तुम्हारा वैसे ही शोषण होता है, ठीक है ना, तो इसलिए 50,000 की तुम डिडक्शन ले लो। अब एक व्यक्ति है जो बिहार से आया है, यूपी से आया है, दिल्ली गुड़गांव में रह रहा है, उसने कहा भाई साहब ऐसे बात नहीं चलेगी, ये जो सैलरी है मुझे मिली है, लेकिन जैसे तुम बिजनेसमैन को खर्चे देते हो, ठीक है ना, इसी तरीके से मेरी सैलरी के अंदर आप मुझे कुछ अलाउंसेस मिले हैं, और वो अलाउंसेस अगर मेरे एग्जेम्प्ट है, अगर वो अलाउंसेस मेरे एग्जेम्प्ट है, तो मैं 7 लाख पर टैक्स नहीं दूंगा, ठीक है ना, मैं उसमें से अलाउंसेस को लेस करूंगा। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, जितने देर अलाउंसेस है उसे लेस कर ले। तो यहां पर जो भी आपके अलाउंसेस हैं ऊपर लेस मत कर देना, ठीक है। पता चले आप ऊपर जो हमने 7 लाख डाला वहां पे लेस करके डाल दो, ऐसा मत करना। आपका जो फॉर्म मिलेगा आपको, ठीक है ना, जो भी एम्प्लॉयर आपको देगा, ठीक है ना, तो उसमें लिखा रहता है, ठीक है ना, उसमें लिखा रहता है भाई साहब इनके यही अलाउंसेज है, जो फेमस अलाउंसेज है, जैसे उसमें होता है एक एचआरए, क्या होता है एचआरए, तो जितना वो एग्जेम्प्ट है वो आप यहां पर लिख देना, जितना एचआरए रिसीव हुआ वो ऊपर हमने डाल दिया टोटल ग्रोस में। अब मान लो मेरा जो एचआरए है वो कैलकुलेशन करके एग्जेम्प्ट निकल कर आया 1 लाख रुपये, या मान लो 70,000 रुपये मेरा एग्जेम्प्ट निकल के आया, तो मेरे को वो कम हो जाएगा। तो कौन कौन से अलाउंसेज एग्जेम्प्ट होते, ठीक है, कौन कौन से अलाउंसेज एग्जेम्प्ट होते, कितने अमाउंट तक एग्जेम्प्ट होते, क्या तुम्हारा जो फॉर्म दिया एम्प्लॉयर ने, क्या उसने उन अलाउंसेज को शो करा या नहीं करा, ठीक है ना, क्या मुझे उसकी एग्जेम्प्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसकी डिडक्शंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सारी चीज़ों के लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो डिटेल में हमारा इनकम टैक्स का कोर्स है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आपको सैलरी का जो सर्टिफिकेट आपको मिला उसमें लिखा हुआ है कि भाई तुम्हारी सैलरी इतनी है और ये अलाउंसेज है और ये अलाउंसेज एग्जेम्प्ट है, तो आप यहाँ पर जो एग्जेम्प्ट वाले अलाउंसेज है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। जैसे लेट सपोज करो आपका कोई और अलाउंसेज हो, ठीक है, जो कि एग्जेम्प्ट हो, जैसे लीव ट्रेवल कंसेशन हो गया या कुछ भी जो आपका अलाउंसेज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो उसका नाम डालकर कि भाई मेरा ये अलाउंसेज है, मान लो कन्वेंस अलाउंस मिला कुछ भी, तो वो लेस हो जाएगा। अब इसके बाद भाई हमारी सैलरी आ गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई। अब इसके बाद आता है कि हो सकता है कि भाई तुम जॉब कर रहे हो, लेकिन तुम जिस घर में रहते हो वो घर तुमने किस पे लिया हुआ है, ठीक है, लोन पर परचेज करा हुआ है। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई जब तुमने घर लोन पर परचेज करा हुआ है तो हम तुम्हारे को इंटरेस्ट की डिडक्शंस देंगे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन डबल काम मत कर लेना, एक तरफ एचआरए भी क्लेम कर रहे हो और एक तरफ लोन पे घर भी ले रखा है। अरे भाई जब लोन पे घर ले रखा है तो किराए पे थोड़ी रह रहे होंगे तुम। तो यहां पर गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने, ठीक है ना, कोई घर लिया और वो किस पे लिया, लोन पर लिया, और उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आप हाउस प्रॉपर्टी में उसकी डिडक्शन ले सकते हो। लेकिन कितनी डिडक्शन लेनी है, 2 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं लेनी। अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा की लेना चाहते हो, लेट सपोज तुमने 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया और अब आप कह रहे हो साहब 3 लाख रुपए की मेरे को डिडक्शन दो, वो कहते हैं नहीं भाई साहब हम तो इस साल 2 ही की देंगे और 1 लाख कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो इस केस में जो 1 लाख रुपए कैरी फॉरवर्ड होगा तो उसके लिए तुम्हें ITR 1 नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ITR 2 पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपने इंटरेस्ट पेबल करा, लेट सपोज करो आपने 1.5 लाख पेबल करा, तो आपको 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। समझ आ गई ये वाली चीज़? हाँ सर ये वाली चीज़ समझ आ गई। अरे भाई मैंने तो कोई अदर सोर्सेज की इनकम डाली नहीं थी, ये अपने आप ले ली। ये इसने कहाँ से ले ली होगी अपने आप? ये इसने अपने आप ले ली होगी जो मैंने प्रीफिल्ड डेटा करा।
तो वहाँ से कई बार ये अदर सोर्सेज की इनकम खुद उठा लेता है। तो भाई ये अदर सोर्सेज की जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है, ठीक है ना, वो सारी अदर सोर्सेज की इनकम यहाँ पर डाल लो, छोड़ना मत, ठीक है। तो हमने अदर सोर्सेज की इनकम यहाँ पर इन्होंने अपने आप ही क्लब कर ली। इसके बाद ये क्या कहता है, अगर आपको कोई डिविडेंट आया है तो भाई डिविडेंट भी यहाँ पर डाल दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी जो भी इनकम है सैलरी की, अदर सोर्सेज की और हाउस प्रॉपर्टी की, हो सकता है कि लेट सपोज करो तुमने हाउस प्रॉपर्टी ले तो ली लेकिन आपने उसे रेंट पर दे दी। किस पर दे दी? हाउस प्रॉपर्टी को। यहाँ पर ऑप्शन होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब खुद ले ली, खुद रह रहे हो। लेट आउट का मतलब कि तुमने किराए पर दे दी, ठीक है। तो अगर तुमने किराए पर दे दिया तो आप यहाँ पर उसकी जो रेंटल वैल्यू है उसे भी यहाँ पर टैक्स दे सकते हो, लेकिन एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक से ज़्यादा होगी तो ITR 1 आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अभी हम मानकर चल रहे कि हमारी जो हाउस प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट की डिडक्शन ले ली। इसके बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी डिडक्शंस ना हो। तो भाई अगर आपकी 80C में डिडक्शन है, 1.5 लाख रुपए तक की मिलती है, तो आप अपनी जितने भी डिडक्शन है वो सारी डाल दो, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपने कोई पेंशन फंड में पैसा दे रखा है तो उसमें 50,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाती है 1.5 लाख से, तो आप उसकी डिडक्शन भी ले सकते हो। मान लो 1.5 लाख रुपये आपने यहाँ ले ली और 50,000 की NPS में ले सकते हो। तो कौन से NPS में ले सकते हो कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप 80CCC में डालोगे तो भाई आपने बेशक 50,000 रुपये की डिडक्शन नहीं देंगे, कुछ नहीं, क्योंकि टोटल लिमिट 1.5 लाख है। लेकिन अगर आपकी जो डिडक्शन है, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर डालते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, 50,000 की अलग से आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो कई बार आपको पता नहीं होता तो आप टैक्स सेविंग के लिए 80C में 1.5 लाख की ले सकते हो और उसके बाद 80CCD 1B में 50,000 की NPS की एक्स्ट्रा ले सकते हो। उसके बाद क्या है भाई साहब, उसके बाद ये सारी जो डिडक्शन है हमने अपने पूरे कोर्स में पढ़ाई हुई है कि भाई अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उसकी बीमारी पे खर्च कर रहे हो, तो किस कैसे डिडक्शंस लेनी है, या 80D की कैसे डिडक्शंस लेनी है, वो सारा का सारा डिडक्शन पार्ट में। तो आप जो भी आपकी डिडक्शंस बनती है वो सारी डिडक्शंस आप यहाँ पर क्लेम कर लें, ठीक है जी। अब डिडक्शन क्लेम करने के बाद हमारी डिडक्शन निकल कर आ गई, तो हमारी अब नेट टोटल इनकम निकल कर आई कुल 2,11,000। तो इस पर हमारा कोई टैक्स बनता ही नहीं है। और यहाँ पर ये एक चीज़ और कहता है कि अगर आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है, मान लो आपको आपके फादर से गिफ्ट मिला 5 लाख का, 10 लाख का, वो आपकी एग्जम्प्ट इनकम है, तो उसे रिपोर्टिंग पर्पज के लिए यहाँ पर दिखा दो। आप ये मत सोचना कि मैं एग्जम्प्ट इनकम ना दिखाऊँ। वो कह रहा है इस तरह की कोई भी एग्जम्प्ट इनकम है तो आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग पर्पज के लिए दिखानी चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गई या कोई भी जो यहाँ पर एग्जम्पशन लिखी हुई है, अगर इसमें कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो आपको यहाँ पर दिखानी चाहिए, ठीक है। तो एग्जम्प्ट इनकम अगर आपकी कुछ है तो यहाँ पर उसे शो कर देना। इसके बाद ही आपकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर लेगा, इंटरेस्ट जो भी होगा कंप्यूट कर लेगा कि भाई कैसे कैसे इंटरेस्ट लगा है। और फिर उसके बाद अगर आपका कोई TDS कटा हुआ है, ठीक है ना, अगर आपका कोई TDS कटा हुआ है तो आपको उसकी डिटेल डालनी है। अब TDS की डिटेल डालते समय आपको कई चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो भाई हो गया फॉर्म 16, ठीक है, जो आपके एम्प्लॉयर ने दिया, ठीक है ना, और फॉर्म 16 पे ये सारी डिटेल आ रही होगी कि भाई नेम ऑफ द डायरेक्टर क्या है, 10 नंबर क्या है, इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी कितना है। इसमें गड़बड़ मत करना, नहीं तो नोटिस आने के चांस हो जाएंगे, ठीक है ना, कि जो आपको फॉर्म 16 पे पर्टिकुलर्स मिले हैं उससे ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना। इसके अलावा हो सकता है किसी और ने आपका TDS काटा हो जिसमें फॉर्म 16 नहीं मिला हो, मान लो बैंकों ने काटा हो, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। लेकिन डिटेल डालते समय ये चीज़ ध्यान रख लेना, जितना TDS आप क्लेम कर रहे हो तो उसके कोरस्पोंडिंग कितनी इनकम है वो भी आपको यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। आप ये मत करना कि खाली जैसे मान लो FD पे आपका TDS कटा तो आपने खाली TDS क्लेम कर लिया, तो उसके इंटरेस्ट को भी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई आप जितना TDS इस साल में कटा सारा अभी क्लेम करना चाहते हो, कई बार आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो सकता है कि अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा जो मैं बात बताऊँ, अब जैसे मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रखा है 70,000 रुपये, तो उसकी डिटेल जैसे ही मैंने प्रीफिल डेटा करा तो यहाँ पर उठकर आ गई, ठीक है जी। इसके बाद TCS, अगर आपका कोई TCS कटता है, जैसे मान लो फॉरेन टूर पर आप जाते हो तो आपको यहाँ पर TCS कटा हुआ है, तो आप उसे भी क्लेम कर सकते हो। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, पूरी डिटेल आ गई भाई साहब आपकी कि भाई आपके 2 बैंक अकाउंट है, आप बताओ रिफंड कौन से बैंक में लेना है। मैंने कहा भाई साहब यस बैंक में दे दो रिफंड मेरे को, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर प्लेस डाल दिया कि भाई ये रिटर्न मैं दिल्ली से फाइल कर रहा हूँ, ठीक है,
इसके बाद और कुछ हो तो बता दो। 80D की अगर मेरी कोई डिडक्शन है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर क्लेम कर सकता हूँ। कितनी क्लेम कर सकता हूँ साहब? मैं 25,000 रुपये तक अपनी कर सकता हूँ, 25,000 तक पेरेंट्स की कर सकता हूँ। पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो मैं उनकी 50,000 की भी कर सकता हूँ। तो कई बार यहाँ पर क्या होता है कि 80D की डिडक्शन जब आप लेते हो वो चेक से पे होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब कि कैश में नहीं हो, चाहे चेक हो, चाहे फ़ोन पे हो, गूगल पे हो। हाँ, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जो है वो आप कैश में भी ले सकते हो। तो अगर आपको 80D की कोई डिडक्शन क्लेम करनी है तो आप यहाँ पर ले सकते हो कि भाई मेरे को 80D की कितनी डिडक्शंस मिलेगी, ठीक है। अगर आपको लेना है तो लो, अदरवाइज नो कर सकते हो, ठीक है। नो करोगे तो भाई कुछ नहीं ले रहे आप, चलो ठीक है। और साथ के साथ इस शीट को वैलिडेट कर देना, ठीक है। वैलिडेट का मतलब क्या है? सीट, ओके। 80G, कई बार लोग क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है ना। तो इस तरह की अगर कोई भी डोनेशन है तो आपको 80G के अंदर यहाँ भरनी है, ठीक है, कि भाई आपने डोनेशंस करी है तो उसकी डिटेल्स आपको प्रॉपर, उसकी रिसिप्ट मिली होगी, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर भरो, ठीक है ना। 80GG है। अगर आपकी कोई ऐसी डिडक्शंस है, ठीक है ना, जो साइंटिफिक रिसर्च वालों को दी है, तो उसकी डिडक्शंस यहाँ मिलेगी। तो टोटल करके आप ये पूरी सारी शीट आराम से भर देना। जो भी तुम्हारी इनकम निकल कर आएगी वो बाद में आपको बता देगा कि भाई इतना टैक्स निकल कर आ रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, लेट सपोज करो मैं यहाँ पर अब अपनी सैलरी 6 लाख रुपए की, ये 7 लाख रुपए की जगह बढ़ा देता हूँ, इसे कितने की कर देता हूँ, 17 लाख कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे जैसे ही मैंने सैलरी बढ़ाई तो, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा कैलकुलेट टैक्स, किस पे क्लिक करूँगा, कैलकुलेट टैक्स। तो जैसे ही मैंने कैलकुलेट टैक्स करा तो इसने कहा भाई साहब अभी टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, इस सीट के अंदर इतनी इतनी सारी एरर्स हैं, पहले ये सारी एरर्स को दूर करो, उसके बाद आपका हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार नज़र मार लेते हैं भाई कौन कौन सी हमारी एरर्स है, उसके बाद इसे देख लेते हैं। तो जब हम जाएंगे क्या क्या एरर्स हमारी समझ में आई कि भाई क्या हम 7th प्रोविजन में रिटर्न भर रहे हैं, आंसर इज़ नो, हमने एक ही एरर इसकी ख़त्म कर दी, ठीक है। इसके अलावा हमने कोई एग्जम्पशन की कहीं डिटेल डालनी है क्या? अब जैसे ये एनी अदर्स हमने यहाँ पे डाला है HRA, तो HRA डाल देते हैं कितना, 50,000। एनी अदर डाल देते हैं 25,000, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप टैक्स कैलकुलेशंस देखोगे तो आपको टैक्स कैलकुलेशन पता लग जाएगी। कैलकुलेट टैक्स करते हैं, अब देखते हैं कोई एरर तो नहीं। ये कह रहा है आर यू ऑप्टिंग 115 BSE, ये आपने नहीं बताया। नेचर ऑफ इनकम भी बताओ आप, ठीक है ना। मैंने कहा ठीक है सर बता देते हैं, ठीक है। ऊपर गए, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, यस नो मैंने बता दिया नो। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स मैंने अदर बता दिया। अब यहाँ पर और क्या कह रहा है ये, और कुछ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि और क्या बताना है इसके अंदर, किस चीज़ की एरर आ रही है। आप कमेंट को बॉक्स में बताना कि किस चीज़ की एरर ये दे रहा है, ठीक है। हम इसे नो कर देते हैं, इसे नो कर देते हैं कि भाई हम नहीं ले रहे, ठीक है। अब इसके बाद हमने न्यू टैक्स रिजीम को, ठीक है, जैसे ही आप इसे यस नो करोगे तो इससे पर्टिकुलर्स आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस, ठीक है ना। मैं इस बार कुछ नहीं डाल लो, ठीक है। अब इसमें और क्या रह गया, मेरे हिसाब से अब कुछ नहीं रहता। अब हम जब फाइल जनरेट करें मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए कोई एरर, ठीक है। प्लीज़ एंटर डिस्क्रिप्शन इन नेचर ऑफ इनकम, नेचर ऑफ इनकम कह रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, सिर्फ नेचर ऑफ इनकम की बात कर रहा है कि अदर सोर्सेज में नेचर ऑफ इनकम डालो भाई, एनी अदर में डिस्क्रिप्शन में डालो, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन रिफंड डाल देते, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन रिफंड अगर ये ले लेता है तो, ठीक है। यहाँ पर और कोई ऑप्शन तो आ नहीं रहा, अब मेरे हिसाब से कोई एरर और नहीं आनी चाहिए भाई, ठीक है। ये कह रहा है TCS कलेक्शन ईयर इज़ मैंडेटरी, TCS के अंदर कह रहा है कलेक्शन ईयर इज़ मैंडेटरी, तो ईयर ऑफ कलेक्शन डाल देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह की अगर कोई भी आपकी एरर है तो आप उसे पहले से ही ठीक कर ले। तो अब सीट ओके हो गई है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई अब कोई एरर नहीं आनी चाहिए, पर यह बार बार कुछ ना कुछ एरर दे देता है, ठीक है। तो ITR 1 बड़ा सिंपल है, लेकिन पहले पता होना चाहिए क्या चीज़ कर रहे हो क्या चीज़ नहीं, क्योंकि एक बार अगर आपने ITR भर दी फिर कुछ चीज़ें चेंज नहीं होगी। अब आप यहाँ पर देखोगे तो मेरा टैक्स निकल कर आ गया,
कि भाई कितना टैक्स पे करना था, तो यहाँ पर कॉलम आ रहा है ई पे टैक्स। तो जब भी अगर आपका टैक्स निकल कर आ रहा है तो रिटर्न फाइल मत करना, पहले टैक्स पे करना फिर रिटर्न फाइल करना। हालांकि अगर आप यहाँ से जेएसएन फाइल जनरेट करोगे, अब यहाँ पर क्या करना है, मैं लास्ट जेएसएन फाइल को जनरेट कर लेना है, ठीक है। ये कह रहा है टीडीएस स्टेटमेंट को पहले क्लिक करो भाई, तभी आपका होगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, टीडीएस फाइल को भी ठीक कर लेते हैं। तो टीडीएस फाइल पे गए, ठीक है। टीडीएस फाइल पे जाने के बाद हमने इसे क्या कर दिया, वैलिडेट, टीडीएस शीट इज ओके, और नाउ अगेन कैलकुलेट टैक्स। और कैलकुलेट टैक्स करने के बाद आप अपनी जेएसएन जनरेट कर सकते हो, जनरेट जेएसएन, ठीक है। तो अब आप आईटीआर 1 आराम से कर सकते हो। प्लीज़ वेरीफाई द टीडीएस स्टेटमेंट सबमिटेड फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। यह बार बार आपको वार्निंग दे रहा है, ठीक है, कि भाई आपकी टीडीएस स्टेटमेंट एक बार चेक कर लेना कि जो आपका टीडीएस कटना है उसने पूरे साल की फाइल कर दी हो नहीं कर दी हो, तभी आप अपनी रिटर्न सबमिट करो। मेरी सारी डिटेल निकल कर आ गई है। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ जेएसएन को, और जैसे ही मैं सेव कर लूँगा जेएसएन फाइल को, उसके बाद मैं उसे सबमिट कर सकता हूँ। तो मोटा मोटी जो आपका फॉर्म 16 और फॉर्म 16A मिला है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयर अपनी टीडीएस की रिटर्न 31 मई तक फाइल करेंगे, तो वो उसी के बाद आपको फॉर्म 16 देंगे, फॉर्म 16A देंगे, ठीक है। अभी हमारी जो फाइल है वो जनरेट हो चुकी है, आप इस लोकेशन पर जाकर उस फाइल को सेव कर ले, ठीक है, और इसके बाद इसे अपलोड कर ले। लोकेशन देख लेते हैं भाई, बड़ी लंबी लोकेशन इन्होंने दी है, ठीक है। देखते हैं डेस्कटॉप पे आई या नहीं आई, डेस्कटॉप पे आईटीआर वन नहीं आई। मैं तुम्हें बताता हूँ लोकेशन कहाँ आई है, ठीक है। हम गए सी ड्राइव में, इसने बोला यूजर्स में इसने बोला कपिल जैन पे इसने बोला कहाँ जाओ, वन ड्राइव में जाने के बाद डेस्कटॉप पे जाओ, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद तो ये लोकेशन आपको देगा, आप अपने उस लोकेशन पर जाना, ठीक है, और आपको वहाँ पर जेएसएन फाइल मिल जाएगी, और उस जेएसएन फाइल को, ये आ गई आपकी जेएसएन फाइल, इसे कॉपी करो, पेस्ट करो, और पोर्टल पर जाकर, ठीक है ना, पोर्टल पर जाकर इस फाइल को यहाँ पर अटैच कर दो। सर कहाँ पर अटैच करना, ठीक है, ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न 23/24, ओरिजिनल रिटर्न, नो ITR 1, और फिर कंटिन्यू। तो इस तरीके से आप अपने ITR 1 यहाँ पर अटैच कर लोगे, ठीक है, और अगर कोई एरर नहीं आती है तो आप इस फाइल को आराम से, ठीक है, सबमिट भी कर दोगे। सर सबमिट कर दो आप भी। अरे नहीं यार, मैंने तो अभी तुम्हारे को सिखाने के लिए बताई है ना, ठीक है। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति कह रहा है साहब मेरी ITR भर दो, तो आप आराम से उसकी ITR भर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है जी, क्लियर हो गया, आप इसे आप कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।